तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना कि समझ ही नहीं आ रही, मतलब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, किसी का कलर अच्छा नहीं है। बीच बीच में ना हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है तो छतरी ले चलते हैं, एक इसका हाल देखो क्या हो गया आते आते। ये भी नए खरीदे आप लोगों ने देखा अभी अभी, मिट करना था पासपोर्ट को, वो तो हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सीन ऐसा है कि ना आज हमें मलेशियन एम्बेसी में जाना है और रात को हमने पूरा प्लान बनाया था, मोटरसाइकिल पे जाना था, जो कि नॉर्मली इधर उधर कहीं पे भी जाना होता है तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, लेकिन ना आज जब भी चलना है तो बारिश हो रही है, ये देख लो हालात। और हमारे पास कोई रेनकोट वगैरह का जुगाड़ नहीं है तो इसलिए डिसाइड किया कि बस में चलते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो गीले हो जाएंगे, और खुद की तो फिर भी चल जाएगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ें गीली होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसलिए अभी तो बस अभी का यही प्लान है अपना। सत श्रीकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, मेरा नाम अपी गरेवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैतरीन ना वो प्रिंट निकलवाया यहाँ से तो उसे बैग में डालने के लिए गई है। ये रही कैतरीन। कैतरीन हाय टू एवरीवन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो तो भाई निकलते हैं। अच्छा तो ट्रैफिक के हालात देखते हुए हम लोग फिर से वापस आके सोचा कि मोटरसाइकिल पे चलते हैं, रास्ते से वो रेनकोट कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे अगर जल्दी से मिल जाए तो। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ओह तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं दुकान पे पहले रेनकोट लेने के लिए। मकान है तो फाइनली मलेशियन एम्बेसी, और हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो 10 बजे की है, तो अभी 15-20 मिनट पड़े हैं, मुझे लगता है कि ये लोग भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी जाके पहले पूछते हैं मुझे। अच्छा तो वही बात हो गई, वो बोलते हैं कि 10 बजे एंट्री होगी, मुझे लगता है खुलती ही 10 बजे है क्योंकि सारे लोग बाहर ही खड़े हैं। तो अभी मुझे बाथरूम जाना है तो पहले मैं यहीं कहीं पर ना बाथरूम ढूँढता हूँ, बाथरूम का यार बड़ा पंगा रहता है। बीच बीच में ना हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है तो छतरी ले चलते हैं, एक इसका हाल देखो क्या हो गया आते आते। ये भी नए खरीदे आप लोगों ने देखा अभी अभी, एक छाता ले लेते हैं साथ में, अगर थोड़ी बारिश होगी तो पंगा हो जाएगा। मलेशियन एम्बेसी के बिल्कुल ये बाहर ही है ना, बड़ी ये खूबसूरत पार्क बना रखी है, ये देखो कितना अच्छा, बैठने के लिए भी बड़ा अच्छा बना रखा है जुगाड़। तो मैं तो वैसे बाथरूम करने के लिए आया था, यहाँ पे बाथरूम है तो बड़ा खूबसूरत है ना। चलो तो यार यहाँ पे जो अपना काम करने के लिए आए थे वो फाइनली डन तो हो गया, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है अभी, वो क्या होता है मुझे नहीं पता, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ें, लेकिन जो सबमिट करना था पासपोर्ट को वो तो हो गया, करूँगा। जो अभी हम लोग यहाँ पे यार कुछ खाएंगे, सुबह घर से ऐसे ही निकल आए, कुछ नहीं खाया, एकन सो रही थी, अपने पड़ोसी के घर में गए, उनको बोला कि एकन का ख्याल रखना, बस ऐसे ही घर से निकल आई, अभी थोड़ा सा कुछ खाएँगे यार। अजा तो अभी यहाँ से खाएंगे कुछ खाना, और मेरे कैमरा की बैटरी भी हो गई है लो, कुछ खाते हैं यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, यहाँ पे है काफ़ी सारी ऑप्शन, काफ़ी सारी वैरायटी है ना। पैसों ओ लुम्पिया रैपर इसका संगीत लोग
सिगे क्या कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों का जो इकट्ठा कर रही है चीज़ें तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना कि समझ ही नहीं आ रही मतलब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। किसी का कलर अच्छा नहीं है, कोई वैसे बड़ी है, कोई कुछ किसी तरह से है, लेकिन ठीक है कपड़े इतने बुरे नहीं हैं। वैसे हमने ब्रांड न्यू जो नॉर्मल मार्केट होती है वहाँ से लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से वो हैवी वाली नहीं मिल रही जो काफ़ी मोटी हो, तो नॉर्मल सी जैकेटें मिल रही हैं। मॉल में हम गए नहीं अभी तक, तो पहले मॉल के रास्ते में ये आ रही थी मार्केट, तो सोचा पहले यहाँ पर देखते हैं बाद में मॉल में चले जाएँगे अगर ना पसंद आई यहाँ से। ये देखो किस तरह की देख रही है, अभी देखते हैं बाकी अभी पसंद आती है या नहीं। और ये मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है अंदर से, और पूरा कपड़े का कलेक्शन है, मोटे पतले हर तरह के, शॉर्ट पजामे जीन्स सब कुछ है सब कुछ। लेकिन ज़्यादातर ना ये लोग बोल रहे हैं, मुझे तो सेकेंड हैंड से लग रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो पुल आउट किए हुए हैं अदर कंट्रियों से, यूज़ किए हुए नहीं है, टैग वैग लगे हुए हैं, कुछ कुछ सेकेंड हैंड से भी लग रहे हैं वैसे। ये देखो जैसे ये बच्चों के लिए है ना, चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सारे कपड़े। अच्छा तो ये ब्लॉग जो आप लोगों ने अभी अभी देखा है ना, ये काफ़ी पुराने ब्लॉग हैं जिनको अभी मैं एडिट करने करके डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी पड़े हुए हैं मेरे पास तो, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और कुछ कुछ पार्ट जो है ना कैमरे में से मिस हो चुके हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे पहले भी होता रहता है मेरे साथ, तो इस बार भी ऐसा है। काफ़ी सारे ब्लॉग बने हुए हैं उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं ना वो मिस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ना जो मेरे ब्लॉग हैं जो भी बचे हैं तो उनको मैं डालता रहूँगा एवरी डे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कल से और अच्छी डालने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फ़ोन भी मैं किसी एंड्रॉयड फ़ोन से एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इतनी अच्छी एडिटिंग मेरे से हो नहीं पाती। आई होप अच्छी लगी हो, लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।